बात करेंगे जेपी नड्डा के दौरे से। वहीं पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार आ रहे हैं। पिछले 9 महीनों के अंदर अगर बात करें तो नड्डा का ये बिहार का दूसरा दौरा है। पटना आगमन से पहले राजधानी पटना को पोस्टर से पाट दिया गया। बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जेपी नड्डा के स्वागत में बीजेपी ऑफिस के साथ पटना के जो तमाम चौक चौराहे थे वहां पर पोस्टर्स लगवा दिए। नड्डा का ये बिहार का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। बता दें आपको कि जेपी नड्डा आज पटना में पार्टी के पितामह कहने वाले कैलाशपति मिश्र की 100वीं जयंती पर बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। बापू सभागार में कार्यक्रम खत्म करने के बाद जेपी नड्डा बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे और जहां पर पहले से महिला मोर्चा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वो भाग लेंगे। उसके बाद वो बीजेपी कार्यालय में ही आयोजित युवा मोर्चा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद जेपी नड्डा पार्टी के विधायक और सांसदों के साथ महत्वपूर्ण एक बैठक करेंगे, वो भी बीजेपी कार्यालय में ही है। सबसे आखिरी में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक बीजेपी कार्यालय में होगी जिसमें नड्डा मौजूद रहेंगे। बैठक के बाद जेपी नड्डा देर रात दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, आपके सामने दो तस्वीरें। आज जेपी नड्डा का बिहार दौरा है, इसमें लाजमी सी बात है चुनाव ही करीब भी है और उसमें ये दौरा भी है। और वहीं पर राजधानी में जो है पोस्टर्स लगा दिए गए हैं इस दौरे को लेकर, और इसमें अलग अलग तरह की मतलब अलग अलग जैसे महिला मोर्चा की बैठक है, युवा मोर्चा की बैठक है, बाकी लोगों के साथ भी ये मुलाकात करके अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें अलग अलग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। वहीं पर आज ही वो दिल्ली भी रवाना हो जाएंगे, लेकिन देर रात वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और आज लगभग जो समय बताया गया उनका पटना पहुंचने का, वो 11:30 से 11:30 के अंदर वो पहुंच जाएंगे और उसके बाद ये तमाम कार्यक्रमों में वो शरीक होंगे। और यहाँ चुनावी मंथन भी है, यहाँ पर लोगों से बातचीत भी है, उनके साथ रणनीति अभी तैयार की जाएगी। और कुछ इस मामलों को लेकर क्या कुछ सियासी प्रतिक्रियाएं आ रही है उनके दौरे को लेकर, एक बार आप वो भी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी विश्व के सबसे बड़ी परिवार है और हमारी जमीन तो है ही बिहार के अंदर। अभी बिहार सरकार ने जो जनगणना का लिस्ट का प्रकाशन किया वो अपने मन से किया, उसे बहुत सख्त उनको जहां तक बन पाया, जो धरातल का जो रिपोर्ट है वो धरातल के रिपोर्ट के साथ भी उन्होंने छेड़छाड़ किया। और उस छेड़छाड़ करने के बाद भी जो समीकरण है वोट का वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, चाहे अति पिछड़ा समाज का समीकरण हो, दलित समाज का समीकरण हो, सवर्ण समाज के समीकरण हो, इस सारे के सारे समीकरण। हम तो सबके साथ सबका विकास की बात बोलते हैं, कुछ लोग बिहार में जात पात की राजनीति करना शुरू कर दिए हैं। भाजपा कुछ भी कर ले कुछ नहीं होने वाला है, अपना बूते पर क्या, उनकी राजनीतिक जमीन खसक चुकी है। जाति आधारित गणना को रोकने का असफल प्रयास और उनका राजनीतिक दोहरा चरित्र, उनकी छद्म राजनीति सामने आई है और जनता में उनकी कलई खुल चुकी है। वो कुछ भी कर लें किसी बहाने से, जनता उनके झांसे में आने वाले नहीं है। मुट्ठी तो लाख की खुल गई, मुट्ठी तो खाक की। बीजेपी वाले जातिगत जनगणना तो के आंकड़े तो सार्वजनिक हो गए। और नड्डा जी आप आए बिहार कभी किसी की जयंती मनाने, कभी किसी की जयंती मनाने, कुछ नहीं होने वाला है। हर जाति को पता चल गया है कि 5 kg अनाज पे कैसे आप उनका हक अधिकार खा रहे थे और इन्हें ठग रहे थे। सब अपने हक की आवाज उठा रहे हैं। और धन्यवाद जो ये धारदार विचार तेजस्वी जी की थी, ये संकल्प लालू यादव जी का था और सहयोग नीतीश कुमार जी का था, जो जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आए। बिहार की जनता हक मांग रही है और हमारी सरकार देगी। आज तक तो उसको जमीन मिला नहीं, दूसरे के भरोसे यहाँ स्थापित हुआ, चाहे नीतीश कुमार जी हो या अन्य हो। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जब 30 साल में जमीन नहीं मिला, नरेंद्र मोदी का 2 कार्यकाल बीत गया तब जमीन नहीं मिला, तब जमीन है ये नहीं है तो मिलेगा कहाँ से। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब राजनीति समाज का नहीं, राजनीति उत्पाद का करना चाहते है। देश में, राज्य में, समाज में उत्पात मचा के भारतीय जनता पार्टी जमीन तलाशना चाहती है, क्योंकि जमीन तो आज तक मिला ही नहीं। और वही पटना से हमारे सहयोगी रजनीश जी भी हमारे साथ हैं तमाम जानकारियों के साथ। रजनीश जी, यहाँ पर सबसे पहले जानना ये चाहेंगे, ठीक है कार्यक्रम तो आयोजित किए जा रहे हैं, कार्यक्रमों में शिरकत भी वो करेंगे, तमाम टिप्स भी देंगे, इसको क्या सिर्फ हम एक जयंती समारोह में आने को देखें या फिर इसमें कुछ सियासत भी है?
देखिए आहना, चुनाव सामने है, बिसात बिछी हुई है और चुनौती बड़ी है बीजेपी के लिए। लिहाजा यहाँ पे जो राजमाइश तो राजनीतिक दलों के बीच में चल ही रही है, इस बीच जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आने से ये जो आपसी बयानबाजी है वो तेज हुई है। दूसरी ओर बीजेपी अपनी कमर कसली है और चुनाव की तैयारियों के लिहाज से भी लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जहाँ तक जेपी नड्डा की आज पटना दौरा का सवाल है, तो देखिए इसके जरिए कई कार्यक्रम जो हैं वो साधे जाने हैं और साथ ही साथ देखिए कोर कमेटी की भी बैठक होनी है, जो कि शीर्ष एक तरीके से कहें कि उनकी कमेटी है, जिसमें कि नीति निर्णय जो है रणनीति के तहत वो बनाई जाती है। इसके पहले विधायक दल की भी बैठक है, इसके पहले पदाधिकारियों की पार्टी की उनके साथ बैठक है और फिर जो सभा है आज यहाँ पे, उसमें भी तमाम जो जिलों से आए हुए लोग हैं पुराने, यहाँ तक कि जो बूथ स्तर के जो उनके कार्यकर्ता हैं उनकी उपस्थिति होगी। विधायक सांसद तो होंगे ही होंगे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष किस तरीके से बातों को रखते हैं इससे तमाम सारे लोग जो बीजेपी के हैं उनकी नज़र होगी और साथ ही साथ विपक्ष की भी नज़र होगी कि कहीं किस तरीके से वो निशाना साधते हैं। तो जाहिर तौर पे बीजेपी के शीर्ष जो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी उपस्थिति होती है तो कार्यकर्ताओं में उत्साह होता है और साथ ही साथ उनका मार्गदर्शन और दिशा निर्देश भी मिलता है, जो कि आगे जो चुनाव आना है होना है इसको लेकर बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब रह गई बात जहां तक उनके आने को लेकर और राजनीति को लेकर, तो देखिए राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज है और जो महागठबंधन के घटक दल हैं उनका स्पष्ट कहना है कि अब चाहे कितना भी जोर लगा ले या फिर जोर आजमाइश कर ले, अभी तक वो झूठ के सहारे अपना काम जो है वो कर रहे थे। 5 किलो अनाज जो है वो भी उन लोगों को नहीं मिल रहा था जिसके वो हकदार है, लेकिन अब जातिगत जनगणना की जो रिपोर्ट आ गई है इससे बीजेपी की कलई खुल गई है और उनका जनाधार जो उनका राजनीति है वो खिसक गया है, ऐसा महागठबंधन के लोगों का कहना है। दूसरी ओर बीजेपी के लोग जो है लगातार निशाना साध रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि ये फर्जी बारा है जातिगत जनगणना और साथ ही साथ जो आंकड़ा डाटा है वो भी कहीं से सही नहीं है। तो इस तरीके से गोल मटोल करके और जो राज्य सरकार है वो लोगों के बीच में भ्रम फैलाने का काम कर रही है और आंख में धूल झोंक रही है। तो इस तरीके से बीजेपी भी हमलावर है और अपने तरीके से बातों को रख रही है। दूसरी ओर तमाम जो घटक दल है, चाहे कांग्रेस हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो या यहाँ तक कि जो लेफ्ट के तमाम पार्टियां हैं, वो भी सीधा सीधा बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। और इस बीच आज जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का पटना दौरा है और इसमें पूरी ताकत बीजेपी झोंक रही है और एयरपोर्ट से लेकर सभा स्थल तक जगह जगह पे वहाँ पे स्वागत की उनकी तैयारियां की गई है, जिसमें पार्टी अपना शक्ति प्रदर्शन तो करेगी ही करेगी, साथ ही साथ जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी उत्साह भरने की कवायद है जी। आहना, ठीक है रजनीश, तमाम जानकारियां आप दे रहे हैं। अब इसको सिर्फ हम एक कार्यक्रम के रूप में नहीं देख सकते, बहुत लाजमी सी बात है क्योंकि आजकल जितना भी चीजें बिहार में चल रही हैं, जैसी भी सियासत बिहार में चल रही है, तो इस एक दौरे को हम एक कार्यक्रम, जिस तरह से ये जयंती कार्यक्रम रखा गया उससे नहीं जोड़ सकते हैं। लाजमी है कि इसमें राजनीति भी होगी, आने पर बहुत चीजें भी दिख जाएंगी और टारगेट होगा आने वाले चुनाव। शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स साझा करने के लिए। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने 23 परिवारों का जाति आधारित सर्वे के आंकड़ा अभी